हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं लाई हूँ कुछ नए ट्रेंडी इंग्लिश वर्ड्स और उनके मीनिंग। आप इन वर्ड्स को सीखकर लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। इन वर्ड्स के साथ आप सेंटेंसेस बोलिए और लोग हो जाएंगे आपसे इम्प्रेस। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है एक्सीडायल। एक्सीडायल का मतलब होता है कि अगर हम किसी को फ़ोन करें और वो एक्सीडेंटली किसी और को फ़ोन मिल जाए तो वो होता है एक्सीडायल। सेकंड है ऑटोमैजिकली। ऑटोमैजिकली का मतलब होता है कि एक मैजिक हो जाना, वो भी कंप्यूटर पर। थर्ड है ऑसम साउस। ऑसम साउस होता है एक्सट्रीमली गुड या एक्सीलेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इसका मतलब। फोर्थ है बारगेनियस। बारगेनियस का मतलब होता है कॉस्टिंग लेस देन एक्सपेक्टेड, चीप या रिलेटिवली चीप। मतलब हम किसी चीज़ के लिए हम सोचते हैं कि ये महंगी होगी, लेकिन वो होती है उससे कम। जो प्राइस हम सोचते हैं उससे कम की होती है वो, तो वो चीप होती है हमारे लिए, तो उसका मतलब होता है बारगेनियस। फिफ्थ है बरिस्टा। बरिस्टा होता है अ पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग और सर्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, जो हमें कॉफ़ी सर्व करता है अलग अलग टाइप की, वो होता है बरिस्टा। सिक्स्थ है बिटकॉइन। बिटकॉइन होता है एन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है जिसमें कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होता है, मतलब हम किसी को आमने सामने तो नहीं पेमेंट करते हैं, बट ऑनलाइन पेमेंट होता है वो होता है बिटकॉइन। सेवन्थ है ब्लिंग। ब्लिंग होती है ज्वेलरी या डेकोरेशन होती है कोई, या क्लोथ होता है कोई जो हमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है। एथ है बोंगा। बोंगा मीन्स इम्प्रेसिव या स्टाइलिश या एक्सेलेंट, जो बहुत ही ज़्यादा देखने में इम्प्रेसिव होता है बोंगा। नाइन्थ है बुको। बुको होता है कोकोनट या कोकोनट वाटर होता है, या फिर एक ऐसा पर्सन होता है जो 5 फीट से कम जिसकी हाइट होती है और वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा एंग्री होता है। टेंथ है चिलैक्स। चिलैक्स होता है काम डाउन एंड रिलैक्स, किसी को हम बोलते हैं चिलैक्स, चिलैक्स हो जाओ, काम डाउन हो जाओ और रिलैक्स हो जाओ। इलेवेंथ है क्लिक बेट। क्लिक बेट, क्लिक बेट होता है ऑनलाइन कंटेंट टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट। कोई एक ऑनलाइन कंटेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए लोगों को, विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है, वो होता है क्लिक बेट। नेक्स्ट है क्राउड फंड। क्राउड फंड होता है कि एक किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे लोग मिलकर डोनेट करते हैं फंड को, वो होता है क्राउड फंड। नेक्स्ट है क्रंक। क्रंक होता है वेरी एक्साइटेड और फुल ऑफ एनर्जी, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है तो वो होगा क्रंक, ही इज़ वेरी क्रंक, वो बहुत एक्साइटेड है। नेक्स्ट है ड्रोल वर्दी। ड्रोल वर्दी होता है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और डिज़ायरेबल, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई चीज़ है तो वो होगा ड्रोल वर्दी। 15th है ईयर टिकलर। ईयर टिकलर होता है कि कोई पर्सन होता है वो किसी को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है उसे खुश करने के लिए या फ्लर्ट करता है। 16th है एक्कॉर्न। एक्कॉर्न होता है वर्ड और फ्रेज दैट रिजल्ट फ्रॉम मिस हियरिंग, मतलब दो वर्ड एक जैसे साउंड करती हैं उसे बोलते हैं एक्कॉर्न। जैसे सन, सन बेटे वाला सन भी और सूरज वाला सन भी, दोनों एक ही साउंड कर रहे हैं, वो है एक्कॉर्न। 17th है फ्रोयो। फ्रोयो होता है एक वर्ड होता है जो फ्रोजन योगर्ट के लिए यूज़ करते हैं, होता है फ्रोयो। नेक्स्ट है कैडल्ट। कैडल्ट होता है एक इंसान जो कि टेक्निकली तो वो एडल्ट हो चुका है लेकिन उसका बिहेवियर एक बच्चे की तरह है, वो होता है कैडल्ट। होप आपको ये वर्ड्स अच्छे लग रहे होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे। नेक्स्ट है लुक बुक। लुक बुक होता है कि कोई फैशन डिज़ाइनर अपना न्यू कलेक्शन के फ़ोटोज़ बहुत सारे क्लिक करवा के उसका एक लुक बुक बनाता है, वो होता है लुक बुक, और वो उसे भेजता है मार्केटिंग के पर्पस के लिए, तो वो उसे बोलते हैं हम लुक बुक। 20th है ओवर लेवरेज्ड। ओवर लेवरेज्ड होता है कि किसी ने बहुत ही ज़्यादा कर्ज ले लिया या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, वो होता है ओवर लेवरेज्ड। 21th है टेलीशनशिप। टेलीशनशिप होता है एक रिलेशनशिप जो कि केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू।